हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और सुबह के बज रहे हैं 9। गाइस, आज है 8 फरवरी और यहाँ पे मैं मटर छील रही हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ हरी प्याज और हरे मटर की सब्जी। तो गाइस, हरी प्याज बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 7 से 8 टमाटर और 4 से 5 हरी प्याज और 6 से 7 मैंने हरी मिर्च ली है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा, मतलब लगभग 250 ग्राम के आसपास मैंने यहाँ पे मटर लिया है। तो गाइस, सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन को गरम कर लिया है और जैसे ही पैन गरम हो गया है तो मैंने उसके अंदर तेल ऐड कर दिया है। उसके बाद तेल गरम होने पे मैंने इसमें जीरा ऐड किया है और जीरा ऐड करने के बाद मैंने इसमें हरी मिर्च को फ्राई किया है। और जैसे ही हरी मिर्च थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे कटे हुए हरे प्याज को। और हरे प्याज को ऐड करने के बाद हम उसे मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से और उसे कम से कम 2 मिनट के लिए अच्छे से भुनेंगे और फिर हम उसे ढक के रख देंगे कम से कम 5 मिनट के लिए, जिससे कि हरी प्याज अच्छे से पक जाए। और फिर हम उसके अंदर ऐड करेंगे हरे मटर। तो हरी प्याज जैसी पक चुकी है मैंने इसके अंदर हरे मटर ऐड कर दिए हैं और अब हरे मटर को 5 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। और जब 5 मिनट के बाद ये पक जाएंगे तो फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे कटे हुए टमाटर। तो 5 मिनट के बाद हम इसे ओपन करके चेक करेंगे तो यहाँ पे जो टमाटर है, सॉरी मटर है, वो थोड़े से पक चुके हैं। तो इसके साथ ही अब हम इसमें जो कटे हुए टमाटर थे उसको ऐड कर देंगे और इसको 2 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। गाइस, 2 मिनट के बाद टमाटर थोड़े से पक चुके हैं और यहाँ पे मैं टमाटर को चेक कर लिया है। तो यहाँ पे मैं अब इनमें मिक्स करूँगी मसाले। तो मसाले नॉर्मली जो हम डेली यूज़ करते हैं खाने में, उन्हीं मसालों का मैंने इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे मैंने 2 स्पून मैंने नॉर्मल मसाला यूज़ किया है और 1 स्पून यहाँ पे मैंने हल्दी का यूज़ किया है और स्वाद अनुसार नमक इस्तेमाल किया है। फिर इन सभी मसालों को अच्छी तरह से एक साथ मिक्स कर देंगे और इनको कम से कम 10 मिनट पकाना है। लेकिन उससे पहले आप इसके अंदर ऐड करना कस्तूरी मेथी। गाइस, कस्तूरी मेथी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि आप किसी भी सब्जी में यूज़ करेंगे तो उसका जो स्वाद है वो 4 गुना बढ़ जाता है। तो मैंने मसाले अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कस्तूरी मेथी। और उसके बाद जब कस्तूरी मेथी को मैं इसमें ऐड कर दूँगी तो मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए अच्छी तरह धीमी आँच पर पकाऊँगी, जिससे कि मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसका जो स्वाद है वो बढ़ जाए। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है कस्तूरी मेथी और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। तो उसके बाद मैं आपको फिर दिखाती हूँ। गाइज़, यहाँ पे मेरी हरी मटर और हरी प्याज की सब्जी बनके रेडी हो चुकी है। ये सब्जी सिर्फ 2 लोगों के हिसाब से मैंने बनाई है और गाइज़ ये आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी होती है, बहुत ही टेस्टी होती है। आप इसको किसी पराठे के साथ, अगर आप इसे पराठे के साथ खाएंगे तो इसका स्वाद और भी ज़्यादा यम हो जाएगा। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और 6:30 बजे हम लोग निकल गए हैं मार्केट की तरफ। एक्चुअली मैं सो के उठ गई थी 5 बजे और 5 बजे उठने के बाद चाय वगैरह हमने पी लिया है और चाय पीने के बाद अब 6:30 बज गए। तो अब हम लोग मार्केट जा रहे हैं। एक्चुअली हम लोगों को लेना है गुजिया बनाने का कुछ सामान और यहाँ पे मैं कंफर्म कर रही थी कि मावे का रेट क्या चल रहा है। तो कहीं किसी दुकान पे चल रहा था 280, कोई 300, कोई 200, लास्ट में हमें एक कंफर्म किया था वहाँ पे हमें 240 का, हमें 240 रुपये किलो हमें वहाँ पे खोआ मिल गया। तो इसलिए कभी एक दुकान से सेटिस्फाइड ना होकर 2-3 दुकानों पे हमें कंफर्म करना चाहिए कब कहाँ अच्छे रेट हमें मिल जाए। तो गाइस, फाइनली हम शॉप पे आ चुके हैं और एक्चुअली ये स्मॉल काइंड ऑफ शॉप है, जैसे कि मॉल्स वगैरह में होते हैं ना, वही सिस्टम है यहाँ पे भी। तो हम आ चुके हैं और एक्चुअली जैसे यहाँ पे मेन गेट है तो यहाँ पे काउंटर है, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है। और एक्चुअली सीजन टाइम, फेस्टिवल टाइम है, तो होली का टाइम है, तो हर कोई यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वान्टिटी में अपना जो भी सामान उनको लेना वो ले रहे हैं। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी और यहाँ पे इन लोगों के काफ़ी ज़्यादा स्टॉक भी ख़त्म हो चुके थे। कई बार तो मतलब मंगाना पड़ रहा था इनको स्टॉक, और इतना ज़्यादा रश था कि वहाँ पे खड़े होने तक की जगह भी नहीं थी और सामान इतना ज़्यादा फैला रखा था। तो यहाँ पे हम लोग भी आए अपना सामान लेने के लिए, गुजिया वगैरह, ये सारा गुजिया का सामान रखा हुआ था कि जो भी आप ड्राई फ्रूट वगैरह जो भी चीज़ आपको लेनी है आप यहाँ से ले। तो हमने भी काफ़ी, हमें भी यहाँ पे आधा
पौना घंटा लग गया था सामान लेते हुए, क्योंकि भीड़ थी हर एक जगह पे, हर एक, और हमें बिलिंग कराने के लिए कम से कम 15 मिनट का हमें वेट करना पड़ गया बिलिंग कराने के लिए। तो यहाँ पे सब लोग सामान वगैरह ले रहे हैं और हम भी अपना सामान सिलेक्ट कर रहे हैं। पहले हम एक राउंड लगा लेंगे अच्छी तरह से, फिर हम देखेंगे कि हमें कौन सी चीज़ें लेनी है। सामान ले लिया है और अब हम लोग जा रहे हैं बिलिंग काउंटर की तरफ और बिल कराने के लिए। तो यहाँ पे इलायची रह गई थी, तो मैं मम्मी को बोल रही थी कि मम्मी इलायची भी ले लो, क्योंकि बिना इलायची के गुजिया में स्वाद नहीं आता है, तो इलायची भी बहुत ज़रूरी है। तो वही मैं मम्मी को बोल रही थी इलायची लेने के लिए। तो गाइज़ फिर उसके बाद यहाँ पे हम बिलिंग कराएंगे और फिर इसके बाद हम घर जाएंगे। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो गाइस फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।